जय हिंद दोस्तों, हिंडमन होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप, BHMS, और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद या फिर किसी भी समय दिन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे पास ये बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा गया है। हर होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद जो है मुझसे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि क्या इस होम्योपैथिक मेडिसिन को खाली पेट ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद लेना है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि क्या सही है। सही यही है, आपको एक ही नियम याद रखना है होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन करते समय कि 20 से 25 या फिर आधे घंटे का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले और कुछ खाने पीने से। फर्क रखना है आपको आधे घंटे का, यानी कि खाना खाने से पहले खाली पेट अगर आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 15 से 20 मिनट का फर्क भी रख सकते हैं अगर आपसे आधा घंटा नहीं हो रहा है, 20 मिनट का फर्क वहां पर आपको रखना ही है। रीजन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जैसा हिसाब यहाँ पर नहीं है। अब एलोपैथिक मेडिसिन में किसी ना किसी चीज के साथ मेडिसिन को खाया जाता है, उसमें खाली पेट नहीं खाया जाता, उसमें जस्ट इसके अपोजिट यानी कि विपरीत है। एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि कुछ बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद जो है एलोपैथिक मेडिसिन को अंग्रेजी दवा को वहां पर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं। अंग्रेजी जो दवाएं हैं उसमें जो ड्रग की क्वांटिटी होती है, ड्रग की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, एकदम तेजी से वो हमारी बॉडी पर एक्ट करती है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ खाया जरूर होता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की यहाँ पर हम बात करें तो इसके साथ जो है आपको कुछ नहीं खाना है, खाली पेट ही इसको आपको लेना है। अगर कुछ आपने खाया और उसके तुरंत बाद होम्योपैथिक मेडिसिन को वहां पर ले लिया तो उसका असर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है और उसमें जो ड्रग की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारी बॉडी पर एक्ट करती है। इसलिए 20 मिनट तक कुछ खाया ना हो तब जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारी बॉडी पर वहां पर एक्ट करती है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं सही भी होती हैं, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी को वहां पर हार्म नहीं पहुंचाती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग जो है ड्रग की क्वांटिटी भी इसमें नहीं होती है, हल्की पोटेंसीज यानी कि कम पोटेंसीज भी हमारी होम्योपैथी में अवेलेबल होती हैं, जिससे कि कम पोटेंसी से शुरू कर देते हैं जिससे कि डिजीज बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं वहां पर। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एक घंटे या फिर दो घंटे का फर्क रखना है, सिर्फ आधे घंटे का फर्क या फिर 20 मिनट का फर्क आप रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन वहां पर बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। यहाँ तक कि जो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक अगर आप ले रहे हैं, सुबह सुबह खाली पेट अगर आप ले रहे हैं तो सुबह का वक्त तो सबसे अच्छा होता है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल यही है कि कुछ मेडिसिन जो होती है वो मॉर्निंग में बहुत अच्छा वर्क करती है, कुछ मेडिसिन जो होती है इवनिंग यानी कि शाम के टाइम बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसीलिए नियम यही याद रखना है आपको कि 20 मिनट का फर्क हो, खाना खाने से मतलब नहीं है। खाना खाने से पहले ले रहे हैं अगर आप तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही लें तो ज्यादा अच्छा है। 20 मिनट पहले लें और उसके 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। नियम यही है कि आपका मुंह जो होता है वो साफ होना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय, क्योंकि अगर आपने अभी कुछ खाया उसके बाद मेडिसिन ले ली तो उसकी जो है असर जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, धन्यवाद।